युवक का नाक काट वीडियो वायरल करने के मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अजमेर व नागौर पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। पीड़ित ने आरोपियों की बहन से की थी बाघ की शादी। युवक का नाक काट वीडियो वायरल करने के सनसनीखेज मामले में आज अजमेर आईजी रुपेंद्र सिंह ने पर्दाफाश किया। मामले में 5 आरोपियों को नागौर व अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार किया। गेगल थाना पुलिस करेगी मामले की कार्रवाई। आईजी रुपेंद्र सिंह ने बताया कि अजमेर के गेगल थाना क्षेत्र से रजिया नामक महिला और उसके साथ पिछले 2 माह से पति की तरह रह रहे हमीद का अपहरण करके ले जाने और नाक काट कर वीडियो वायरल करने की सूचना मिली थी। वीडियो नाक काटते हुए का था जो काफी विभत्स था। ऐसे में अजमेर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टीमों का गठन किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि रजिया पूर्व से ही विवाहित थी और वह जनवरी माह से अमित के साथ रह रही थी, जिससे उसके परिजन खासा नाराज थे। परिजनों ने नागौर के मारोट थाने में 23 जनवरी को इसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। रजिया के परिजनों ने पुलिस को बिना बताए अंसल से हमीद का अपहरण किया और उसका नाक काट वीडियो वायरल कर दिया। पुलिस ने आरोपी बीरबल खान, इकबाल खान, हुसैन अमीन और मेहरुद्दीन को गिरफ्तार किया है। अलग अलग कर दिया गया लड़का और उसकी औरत को, और लड़के का बाद में लड़की के परिजनों द्वारा नाक काट के उसका वीडियो वायरल किया। इस तरह की FIR थी। इसके कल रात देर रात को थाना गेगल को 51/23 प्रकरण इसके ऊपर कार्रवाई कर त्वरित कार्रवाई करते हुए अजमेर और नागौर की संयुक्त कार्रवाई में इस प्रकरण के जो आरोपी, अभी तक इसमें 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। प्रथम दृष्टया ये मामला सामने आया है कि एक औरत जो कि शादीशुदा थी वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई जनवरी में, और ये नागौर के रहने वाले हैं, दोनों एक ही जाति के हैं, और वहाँ से जाने के बाद इन्होंने गेगल थाना एरिया में एक मकान किराए पे लिया जहाँ पे ये रह रहे थे। जब लड़की के घर वालों को पता चला कि ये यहाँ रह रहे, उन्होंने अपने स्तर पे ही आके बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए इनको यहाँ से उठाया और वापस अपने घर ले गए। वहाँ जाकर लड़की को अलग कर दिया और लड़की के भाइयों और पिता द्वारा इस लड़के की, जिसका नाम हमीद है, उसकी नाक काटी गई और इस पर भी प्रथम दृष्टया अभी तक इतनी तथ्य हमारे सामने आए हैं। इसके मेन मुलजिम को जो पुलिस ने लिया है और आगे की कार्रवाई इसकी अग्रिम अनुसंधान में सामने आ पाएगी। इसका जो वीडियो वायरल हुआ है काफ़ी वो विभत्स किस्म का है, और इस तरह का जो नाक काटने का कृत्य किया है तो बहुत घिनौना कृत्य है, और इसको हमने संगीन धाराओं में दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। और इसकी तफ्तीश करके कोशिश ये रहेगी कि इसको केस ऑफिसर स्कीम के तहत लेके जल्द से जल्द और हमारी सिफारी से मुस्लिम्स हैं लड़का और लड़की, और दोनों ऐसा और लड़की मेजर है, और लग रहा है कि ऐसा कोई मामला नहीं है जिससे किसी तरह का कोई लॉन्ड ऑर्डर डिस्ट है, कोई ऐसा भी नहीं है। पर एक बात ज़रूर सामने आती है कि समाज में इस तरह का जो घिनौना कृत्य वो ये पहले पुराने समय में हुआ था, आज की डेट में इसका हमें बड़ा, लेकिन अजमेर